नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। योगी सरकार में सूबे पर अपराधियों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है। समाज में फैले इस कचरे को साफ करने के लिए यूपी पुलिस भी लगी हुई है, इसीलिए दाग यूपी पुलिस पे भी लगे हुए हैं। पर कहते हैं दाग अच्छे हैं। जी हाँ, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो कई अपराधियों के दिल में खौफ बैठ गया, पर इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठने लगे। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे। विपक्ष ने इसका राजनीतिक करण करने का भी कोशिश किया। आरोप लगे कि यह एनकाउंटर फेक था, यह एनकाउंटर गलत था और अब गैंगस्टर विकास दुबे को ढेर करने वाली पुलिस की टीम को क्लीन चिट मिल गई है। बीकरू कांड की जांच के लिए बने न्यायिक आयोग ने पुलिस टीम को क्लीन चिट दे दी। इस क्लीन चिट के साथ ही विपक्ष भी चित हो गया है। बता दें कि इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डॉक्टर बीएस चौहान कर रहे थे। सिर्फ क्लीन चिट ही नहीं, जांच आयोग ने भी इस बात को माना है कि विकास दुबे और उसके गैंग को लोकल पुलिस के साथ ही जिले के राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण मिला हुआ था। उनका कहना है कि गैंगस्टर को उसके घर पर पुलिस रेड की जानकारी भी स्थानीय चौबेपुर थाने से ही मिली थी। जांच आयोग ने की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार ने विधानसभा में भी ये मामला सामने रखा था। बता दें कि जांच आयोग ने बीकरू कांड मामले में 132 पेज की रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें से पुलिस और न्यायिक सुधार संबंधी कई सिफारिशें भी की गई थी। रिपोर्ट के साथ ही 665 पेज की फैक्चुएशनल जानकारी भी राज्य सरकार को सौंपी गई। दरअसल बीकरू कांड की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन भी किया गया था। इसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज शशिकांत अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता भी शामिल थे। आपको याद ही होगा कि 2 जुलाई 2020 को कानपुर के बीकरू गांव में विकास दुबे के गुर्गे पुलिस वालों के लिए काल बनकर सामने आ गए थे। पुलिस पर गोलियां चलाई गई, कई पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। घटना के बाद आरोपी की तलाश शुरू हुई और अंत में यूपी पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया। इस मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था। मामले की जांच के बाद आयोग ने कहा था कि पुलिस पक्ष और घटना से संबंधित सबूतों के खंडन के लिए मीडिया और जनता में कोई भी सामने नहीं आया है। विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने भी एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए एक एफिडेविट दिया था। आयोग के सामने वो भी पेश नहीं हुई, इसीलिए पुलिस पर शक नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां यूपी पुलिस को क्लीन चिट मिली है, तो वहीं विपक्ष के दावे भी चित हो गए। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।